हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेनिंग गुरुजी। मैं दोबारा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आज फिर एक नए ब्लॉग के साथ आ चुका हूं मैं। और आज का ब्लॉग होने वाला खास, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे रिक्वेस्ट आने के कारण आज मैं जा रहा हूं EFR फर्स्ट बटालियन के ग्राउंड में, जहाँ पर 2020 रिक्रूटमेंट का PMT PET होने वाला है। तो बिना देर किए चलते हैं अभी ग्राउंड की तरफ और देखते हैं ग्राउंड का कंडीशन कैसा है, ट्रैक कितने का बनने वाला है, क्योंकि ये लेकर बहुत सारों के मन में सवाल है, डर है कि ट्रैक 200 का होगा या 400 का होगा। ऐसे ये लेकर मेरे को बहुत सारा ऐसा मेरे को कमेंट आया, सर कितना का ट्रैक है, 400 का है या 200 का है। तो आज मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कितने का ट्रैक है और क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है यहाँ पर इस ग्राउंड में, वो मैं आप लोगों को पूरी क्लियरली बता दूंगा। तो साथ ही चलते हैं अभी ग्राउंड की तरफ। और एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप लोगों के सभी दोस्तों को इस वीडियो के बारे में माध्यम से ग्राउंड का पता चले और इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज पता चले। साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, बने रहिए इस वीडियो पर आखिर तक। चलिए चलेंगे क्या ग्राउंड में, ग्राउंड में चलना है, चलना है, चलो। सो फ्रेंड्स, ये रहेगा आपका सलवा मार्केट से आता हुआ रास्ता, ये है। तो आप लोगों को यहाँ से एंट्री इस गेट से दिया जाएगा, ये गेट है, यहाँ से एंट्री होगा आप लोगों का। खुला वही है। यहाँ से एंट्री होने के बाद आपका इस साइड में यहाँ पर बनेगा आपका टेंट बनेगा, जिसमें आपका PMT और PET का जितना भी रजिस्ट्रेशन का जितने भी कागज़ डॉक्यूमेंट्स चेक सब यहीं पर होगा। आगे स्टेज बनेगा, इस तरफ आप लोगों का ट्रैकिंग के लिए जो आपका ट्रैकिंग होगा वो ट्रैकिंग के लिए यहाँ पर बनेगा। और ये ट्रैक मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये 400 मीटर का ट्रैक है। इसमें आप लोगों को बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा था कि कितने का ट्रैक है, 200 का है या 400 का है। तो बता दूँ, इसके पहले जितने भी रिक्रूटिंग में दौड़ा है तो उन लोगों का 200 मीटर का ट्रैक है। तो क्यों हुआ वो, क्योंकि वो हुआ था आप लोगों का फर्स्ट बटालियन के अंडर में नहीं था, वो था सेकेंड बटालियन के अंडर में था, सेकेंड बटालियन का ग्राउंड था, इसीलिए वहाँ पर ये हुआ। तो अभी ये फर्स्ट बटालियन के अंडर में है, तो फर्स्ट बटालियन का ग्राउंड जो है 400 का ट्रैक है। तो यहाँ पर अभी सभी लोग प्रैक्टिस करने आते हैं, प्रैक्टिस हो रहा है। तो यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। ओ प्रजय भाई, कूदे से ना, ओ के कूदने की जरूरत है चैंपियन लाई। ठीक छ, ठीक छ, कति कुदेको आम्मा। तो यहाँ पर तो यहाँ पर आपका ये आपका यहाँ पर ट्रैकिंग मशीन बैठेगा यहाँ पर, और यहाँ से आप लोगों को छोड़ा जाएगा, यहाँ से रनिंग होगा स्टार्ट। तो ये 400 मीटर ट्रैक है, मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। ये पहले हम लोगों को कुछ दिन पहले यहाँ पर स्पोर्ट्स हुआ था, तो उसकी वजह से ये ट्रैक बना हुआ है पहले से ऑलरेडी। तो ये लास्ट वाला ट्रैक है, यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं, ये लास्ट वाला ट्रैक है और उस तरफ एंड वाला ट्रैक है। तो आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा, बहुत बढ़िया ट्रैक है और यहाँ पर आप लोगों को ग्राउंड जो है बहुत बढ़िया है। इसमें कोई मतलब ज़्यादा उबड़ खबड़, मतलब एकदम बांग्ला बोलते गए एबड़ा खेबड़ा नहीं, ठीक है जी। तो ये बिल्कुल एकदम प्लेन ट्रैक है, जिसमें आप लोगों को रनिंग करने में बहुत ही सुविधा होगा। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा यहाँ पर ग्रिप भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि ये मिट्टी जो है और यहाँ का जो ग्राउंड का मिट्टी जो है वो बहुत ही अच्छा है और थोड़ा हार्ड भी है, ठीक है, एकदम ज़्यादा नरम नहीं है। नरम होने से आपका ग्रिप अच्छा नहीं मिलता है, तो ये थोड़ा हार्ड है, इसमें आप लोग अच्छा ग्रिप मिलेगा। और आप लोगों को मैं एक बार पूरा चल के दिखा देता हूँ ये वाला ट्रैक। तो आप लोग बहुत लोगों का यहाँ पर आप लोग का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर थोड़ा ग्राउंड में चल के दिखाइए। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को सजेस्ट क्या करूँगा कि आप लोग ट्रैक में आते हैं तो ट्रैक में कैच कीजिए, ये जो लेफ़्ट वाला जो आप लोग देख रहे हैं ट्रैक का एकदम लेफ्ट साइड जो है इसको पकड़ के दौड़ना है, क्योंकि इससे क्या होगा आपका जो रनिंग का जो टाइमिंग रहेगा उसमें थोड़ा आपका क्या होगा कम टाइम लगेगा। अगर आप लेफ़्ट साइड वाला ट्रैक पकड़ के एकदम दौड़ते हैं तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि एकदम लेफ़्ट साइड वाला ट्रैक पकड़ के दौड़ें और आप लोगों को एकदम फिनिशिंग तक ही लेफ़्ट साइड वाला ट्रैक पकड़ के दौड़िए। तो ये देख सकते हैं ये पूरा आपका 400 का ट्रैक है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। और मेरे को लगता भी नहीं है कि ये 200 का ट्रैक बनाया गया, क्योंकि ये 400 का ट्रैक है, ये फर्स्ट बटालियन के अंडर में ये PMT PET का पूरा दायित्व जो है फर्स्ट बटालियन को दिया है, तो इसीलिए इसका पूरा जिम्मा फर्स्ट बटालियन के ग्राउंड में होगा।
इसके पहले जो भी हुआ वो हुआ था PET PMT होता, वो सेकेंड बटालियन के ग्राउंड अंडर में हुआ था, तो इसीलिए सेकेंड बटालियन का ग्राउंड 200 का है, भी 200 मीटर का है, वो भी आपको मैं दिखा दूंगा, ठीक है, इसके बगल में ही है। तो ये फर्स्ट बटालियन का जो ट्रैक है ये है 400 मीटर का, अभी भी बना हुआ है, बहुत जल्दी बन जाएगा, बनाने में बहुत सुविधा है, सुविधा हो जाएगा, पूरा नापा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा जब आप दौड़ेंगे तो लेफ़्ट वाला ट्रैक बिल्कुल फॉलो करके दौड़िए लेफ़्ट साइड से, तो आपका टाइम थोड़ा अच्छा आएगा। तो ये है, अभी 200 मीटर कंप्लीट हो चुका है, मैं 200 मीटर चल चुका हूँ, तो ये एग्जैक्ट 400 मीटर का ट्रैक है, बिल्कुल देख लीजिए, बिल्कुल सरफेस बिल्कुल प्लेन है, आप लोग देख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये है ग्राउंड, और इसका जो भी एडवांटेज डिसएडवांटेज जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा, इसमें एडवांटेज क्या है डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। इस ग्राउंड में इतना ज़्यादा डिसएडवांटेज तो नहीं है, सब एडवांटेज ही एडवांटेज है, बहुत फ़ायदा है। कौन फोन कर रहा है रे बाबा, जय हिंद सर। जी सर, आपके आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक है सर जी। नहीं नहीं सर, हमारा इधर प्रिकॉस करने का टाइम ही नहीं मिला सर, वो ऐसा टाइम में मैसेज आया जी 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 जी, वो 4 दिन का मिला था, उसमें सर मैंने एक ही दिन, मतलब उनको एक दिन ही ले पाया मैं, उनको एक दिन का हथियार के बारे में थोड़ा बता दिया, लेक्चर थोड़ा बता दिया, IP के बारे में थोड़ा बता दिया, और जो जो थोड़ा बहुत जितना हो सके उनको बता दिया सर जी जी जी। और सर वही एक दिन में जितना हो सका पॉसिबल, क्योंकि सर अब इसमें हमारा यहाँ पर भी यानी ट्रेनिंग चल रहा है, तो मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ, तो इसीलिए इनको फिर वे नहीं कर पाया इतना 4 दिन में। जी सर जी सर जी, आप ठीक है सर जी। अच्छा, अभी फिर से आप लोगों का तो कार्रवाई शुरू हो ही जाएगा जी सर। अच्छा अच्छा जी, अभी सभी आ गए सर जी 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 जी। अच्छा सर, अच्छा ठीक है जी, ठीक है, कोई नहीं, जहाँ भी हो करना तो पड़ेगा ही जी। अच्छा ठीक है सर जी सर जी सर जी सर, ओके सर, ओके, जय हिंद सर तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका 400 मीटर का ट्रैक ख़त्म होता है, तो ये आगे यहाँ पर फिनिशिंग हो गया है। मैं थोड़ा फ़ोन में बिज़ी हो गया था, तो अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को इस ग्राउंड का थोड़ा बहुत एडवांटेज। सबसे पहले एडवांटेज क्या है, आप लोग जब यहाँ पर आते हैं तो ये आपको यहाँ पर सलवा मार्केट मिल जाएगा, यहाँ से आप उतरेंगे और यहाँ से इतना में आपका गेट है, ये एंट्रेंस गेट है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर जो जितना भी साइड में जितना पेड़ लगा हुआ है, तो इससे क्या होगा कि थोड़ा आपको छाया मिलेगा। तो आप लोग जो बिठा के रखते हैं यहाँ पर PMT जब तक होता रहेगा, यहाँ पर बहुत सारा लाइन यहाँ पर बैठा के रखेगा, ठीक है, तो इस पेड़ के वजह से आप लोगों को छाया मिलेगा, जिसकी वजह से आप लोगों को थोड़ा बहुत क्या मतलब बहुत ही आराम रहेगा। एक तो क्या है, खुला जगह है, हवा चलता रहता है, तो इस वजह से आपको थोड़ा रेस्ट मिलेगा यहाँ पर। और उसके बाद दोपहर का जो धूप है, किसी का 9 बजे, किसी का 10 बजे, किसी का 11, 12, 1 बजे रनिंग पड़ सकता है, तो सिर्फ रनिंग के टाइम में आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा ट्रैक में दौड़ते समय, बाकी मेरे को नहीं लगता उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पर आपका एक एडवांटेज ये है कि आपको शेड में आपको बैठने को मिल जाएगा, दूसरा पानी वगैरह जो है आप लोग अपना लेकर आइएगा, यहाँ पर भी रहेगा, लेकिन आपको भी क्या है खुद से भी कैरी करके लाइए, ताकि डिहाइड्रेशन नहीं हो। और जिनका थोड़ा वेट कम होता है वो उनको मैं सजेस्ट करूँगा, आप लोग थोड़ा ज़्यादा पानी पीजिए, केला ले लीजिए, बॉयल आलू ले लीजिए,
ठीक है, ये बॉयल ये सब चीज़ लेकर बैठिए। आपका वेट मेजरमेंट होने से पहले उसको दबा के खा लीजिए, 1.5-2 लीटर पानी पीजिए, 2-3-4 केला पीजिए खाइए, और बॉयल आलू लीजिए। हाँ, तो आपका उस समय ये रहेगा। तो उसके बाद फिर आपको PMT होने के बाद थोड़ा देर लगेगा, आधा घंटा 15-20 मिनट ऐसे में आपका फिर आपका रनिंग होगा उसके बाद। तो यहाँ पर अभी शुरू हुआ नहीं है ये सब ग्राउंड का काम, अभी 2-3 दिन में हो जाएगा, मैसेज आ गया है, 2-3 दिन में काम हो जाएगा ये सब ट्रैक का काम। ज़्यादा करने में ज़्यादा देरी नहीं लगेगा, तो पहला एडवांटेज तो ये है। और ग्राउंड बहुत ही प्लेन है, सरफेस है, और काफ़ी दिनों से यूज़ हो रहा हुआ ग्राउंड है, सभी लोग यहाँ पर दौड़ते हैं। तो ये दूसरा एडवांटेज ये है कि आप लोगों को ये ट्रैक एकदम हमेशा ये पूरा साल भर प्रैक्टिस होता रहता है, इस ग्राउंड में लोग दौड़ते रहते हैं, तो ये आपको बहुत अच्छा ग्राउंड यहाँ पर मिलेगा, सरफेस बहुत बढ़िया है। और मैं जहाँ तक वही मैंने आपको बताया सजेस्ट किया कि जहाँ तक उसे एकदम कॉर्नर वाला ट्रैक पकड़ना है और रनिंग करना है, ठीक है, इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और यहाँ पर सभी आपको सपोर्टिव भी मिलेंगे, और सभी अभी यहाँ पर बहुत सारे लड़के हैं जो रनिंग कर रहे हैं, अपने तैयारी कर रहे हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि ये 1st बटालियन का ग्राउंड ये है, 400 मीटर का ट्रैक है, तो बढ़िया से दौड़िए और आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। तो वही है, अपने प्रैक्टिस के ऊपर है, तो बेस्ट ऑफ लक। और वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ, और एक बार मैं आपको 2nd बटालियन का ग्राउंड भी दिखा देता हूँ पास ही में, वो है 200 मीटर वाला, तो चलिए वहाँ पर चल के अभी मैं आप लोगों को वहाँ वाला दिखा देता हूँ। तो 2nd बटालियन वाला ग्राउंड जो है वो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, इसी रोड से, ये 1st बटालियन का ग्राउंड है, इसी से थोड़ा आगे 2nd बटालियन का ग्राउंड है, चलिए ये भी आप देख लीजिए। बहुत को कन्फ्यूजन है कि सर EFR में तो 200 का ट्रैक है, नहीं, EFR 1st बटालियन के अंडर में 400 का ट्रैक है, और 2nd बटालियन के अंडर में अगर आपका ग्राउंड पड़ा तो 200 मीटर का ट्रैक है, वो भी आप देख लीजिए तो क्लियर हो जाएगा। तो ये थोड़ा आगे जाके आपका 2nd बटालियन का ग्राउंड है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अब ट्रैक में मैं नहीं चलूँगा क्योंकि वो तो है नहीं आपका जो 200 मीटर का, तो इसीलिए उसको दिखा के फ़ायदा नहीं है, लेकिन मैं ऐसे बाहर से आपको दिखा देता हूँ ये 200 मीटर का ट्रैक जो है। तो ये जो है मेरे राइट साइड में, ये है आपका 2nd बटालियन का ट्रैक ग्राउंड, और इसी में है आपका 200 मीटर वाला ट्रैक। तो ये देख लीजिए, अभी लड़के यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इधर वाला जो ये वाला जो ग्राउंड है इसी के बारे में सभी कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर 200 मीटर वाला ट्रैक है, नहीं, ये क्या है आपका 200 मीटर वाला ट्रैक, ये वाला है आपका 1st बटालियन वाला, नहीं, 1st बटालियन का 400 मीटर वाला ट्रैक है। इसमें मैं आप लोगों को चल के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो चलिए अपना ब्लॉग यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद एंड टेक केयर।